नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिसिंग नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ ग्रेटर नोएडा के अंदर। आज हम कुछ कार्डियोलॉजी से संबंधित चीज़ों पे बात करेंगे। जो हमारा वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है उसके बारे में कुछ कॉमन अवेयरनेस, आम आदमी को जो चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा इन्वेसिव कार्डियोलॉजी वर्सेस नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये आम आदमी को समझ में नहीं आता कि इन्वेसिव कार्डियोलॉजी और नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो आप इस तरीके से मोटे तौर पे मान लीजिए कि जो हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं या हम स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करते हैं या हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं या हम हॉल्टर मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये वो हिस्सा है जो कि नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी के अंदर कवर होता है। नॉन इन्वेसिव का कार्डियोलॉजी का मतलब है जिसमें हम बॉडी के अंदर नहीं जा रहे, बॉडी के सिस्टम या ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम एक्सटर्नल ही बाहर से ही चीज़ों का इस्तेमाल करके हम डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो इन्वेसिव कार्डियोलॉजी होता है, जब आपकी एक बार डायग्नोसिस बन गई, जब आपने कोई चीज़ की डायग्नोसिस, मान लीजिए किसी को ये निकला कि ये लगता है कि ऐसा ब्लॉकेज है, तो आप एंजियोग्राफी जब करने जाते हैं, एंजियोग्राफी में आप वायर होता है वो ब्लड नसों के अंदर जाता है, हार्ट तक पहुंचता है, उसको इन्वेसिव कार्डियोलॉजी बोला जाता है। तो इन्वेसिव का मतलब जब हम बॉडी के अंदर जाके कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो एंजियोप्लास्टी करना या पेसमेकर लगाना या कार्डियक डिफिब्रिलेटर लगाना, ये सारी इन्वेसिव कार्डियोलॉजी का हिस्सा है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के अंदर इन्वेसिव कार्डियोलॉजी का हिस्सा है। जब हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन करते हैं, तो ये वो सारे हिस्से हैं जो कि इन्वेसिव पार्ट हैं, जिसमें हम हार्ट के लेवल पे पहुंच के वहां पर चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो ये इन्वेसिव कार्डियोलॉजी का हिस्सा है। नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी के अंदर हम शरीर के अंदर बिल्कुल नहीं जाते, सिर्फ बाहर से ही चीज़ों को हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए ECG, उदाहरण के लिए इकोकार्डियोग्राफी, उदाहरण के लिए स्ट्रेस इको, उदाहरण के लिए हॉल्टर, उदाहरण के लिए अगर हम स्ट्रेस थैलियम करते हैं, तो ये सारे वो टेस्ट हैं जो नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी के अंदर कवर होते हैं। तो ये डिफरेंस नॉन इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी के अंदर है। मुझे लगता है कि इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, बेसिक जानकारी मिल गई होगी। अगली बार जब आप अपने डॉक्टर से जाएंगे और डॉक्टर आपसे ये शब्द कहेंगे, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।